हेलो गाइस, मैं प्रियल, आपका प्रियल मैम रीजनिंग बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज वापस से मैं आपके सामने 1 मिनट 1 कंसेप्ट का वीडियो लेके आई हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको भाई दोस्त को सवाल करवाऊंगी, 2 क्वेश्चंस कराऊंगी, 2 नए कंसेप्ट के साथ, ठीक है। अगर आप नए आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा और शेयर का बटन जरूर दबा दीजिएगा। जितने नए बच्चे हैं आज हमसे पहली बार जुड़े हैं, फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो देखें, सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइएगा। ओके, तो रेगुलरली ये वीडियो आपकी सुबह 9 बजे अपलोड हो जाती है। यहाँ पे डेली 2 क्वेश्चन कराती हूँ, मुश्किल से समय लेती हूँ मैं आपका 2 से 3 मिनट का, इतने मैं आपको 2 नए सवाल सिखा देती हूँ। तो शुरुआत करते हैं। आज मैं लेके आई हूँ सिंपल इंटरेस्ट का एक सवाल, ठीक है। देखो सिंपल इंटरेस्ट सवाल है, पहला सवाल पढ़ते हैं। 500 रुपए की धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है, मतलब 500 रुपीज 12% के ब्याज से निवेश किए गए। दूसरी कोई राशि है उसको 10% की ब्याज से निवेश किया गया। यदि 4 साल के बाद दोनों धनराशियों से प्राप्त कुल ब्याज 480 है, मतलब पहले से हमने निवेश किया 500 रुपये, निवेश किया कितने परसेंट, 12% की ब्याज से 4 साल के लिए। दूसरे का हमें पता नहीं पर निवेश किया हमने 10% की ब्याज से और 4 साल के लिए, अपॉन में हंड्रेड। टोटल जो ब्याज आ रही है वो कितनी आ रही है, 480 हमारे पास ब्याज आ रही है। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना रह गया है, इसको सॉल्व कीजिए फटाफट से, क्या आंसर आ जाएगा आपका देखते हैं। 0000 5 4 20 20 2 12 240, 240, ठीक है। प्लस का आपका हो गया 40, कैंसिल करते हैं, 4 बाय 10 x इज इक्वल्स टू 480, तो 4x बाय 10 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4x बाय 10 इज इक्वल्स टू 480 माइनस का 240, 2 जा 240, ठीक है। 4 6 जा 24, तो x की वैल्यू हो गई 600। मतलब ये x क्या आया, अब ध्यान दीजिएगा, x क्या आया सेकेंड ईयर में, मतलब दूसरी, तो दोनों धनराशि प्राप्त कुल ब्याज, तो दूसरी राशि क्या होगी, दूसरी धनराशि हमारे पास क्या आ गई, ये आ गई। x की वैल्यू क्या थी, दूसरी धनराशि थी। तो ये आपका सिंपल हमने फॉर्मूला क्या लगाया है, PRT अपॉन का 100 प्लस का PRT अपॉन का 100 इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट। यहाँ से जो हमारी ब्याज मिली, यहाँ से जो ब्याज मिली, दोनों का ब्याज मिला के क्या है हमारे पास आई, 480 दे रखा था, तो उस वाले फॉर्मूले से हमने अप्लाई किया और हमारा आंसर आ गया। समझ में आएगा, आ गया थिंक आपको। जब भी ऐसा का सवाल आए हमेशा यही फॉर्मूला लगेगा आपका, मेनली हमेशा यही फॉर्मूला लगेगा। अगला सवाल देखते हैं आप लोग, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा सवाल काफ़ी अच्छा सवाल है, ध्यान से समझिएगा सवाल को, क्या है। 1 पैसे कितने रुपये, 800 रुपये हैं, 800 रुपये कितने हो जाते हैं, 920 हो जाते हैं, कितने साल में, 3 साल में। 800 रुपये 920 हो जाते हैं, 3 सालों में हो जाते हैं, ठीक है। अब ये याद रखना है आपको, ब्याज कौन सी है, साधारण ब्याज है, SI की बात कर रहे हैं। तो देखो यहाँ से यहाँ के गए कितना डिफरेंस आ रहा है आपका, 120 रुपये का डिफरेंस है। ये क्या हुई, ब्याज हुई ना, आज मैंने जमा इतने किए, मुझे 3 साल के बाद इतने रुपये मिल रहे हैं, मतलब क्या मिला, एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है, ब्याज ही तो मिल रही है। ये 3 साल की ब्याज है, मैंने इसको 1 साल की ब्याज कर दी, तो हर साल कितने मिलेंगे, बोले 40 रुपये मिल रहे हैं, हर साल 40 रुपये मिल रहे हैं, तो 3 साल में 120 रुपये मिलेंगे, तो ये होगी हर साल की ब्याज। अब बात क्या करें, यदि ब्याज जो है, यदि ब्याज का दर 3% बढ़ा दिया जाता है, तो समान अवधि की वह राशि कितनी हो जाएगी। तो मतलब सेम अगर हमने परसेंट बढ़ा दिया, 3% बढ़ा दिया, तो वही 800 रुपये 3 साल के बाद कितने हो जाएंगे हमें पता लगाना है। अब देखो पहले कितना था हमें नहीं पता, पहले रेट कितना था, जो भी रेट है उसमें 3% बढ़ाना है हमें, तो पहले रेट हमें नहीं पता, तो पहले तो हमें रेट निकालना पड़ेगा। तो रेट निकालना सबसे अच्छा तरीका क्या है, ध्यान दीजिएगा, 1 साल की ब्याज अपॉन का प्रिंसिपल इंटू का 100। 1 साल की ब्याज, ये बात ध्यान रखनी है आपको, केवल ये बात, 4 2 जा 8 5 जा कितना हो गया, रेट कितना हो गया, 5% हो गया। ये थे सबसे पहले ब्याज कितनी, 5 थी, अब हमने इसको कितना बढ़ा दिया, प्लस का 3 कर दिया, 8% ब्याज होगी, कितनी होगी, 8% ब्याज होगी। तो हमें अमाउंट निकालना है कि कितना अमाउंट हो जाएगा, तो निकालिए PRT कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, अपॉन का 100, 64 3 जा 192 कितना हो गया, 192, ये तो इंटरेस्ट आ गया, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 800 प्लस का 192, तो 992 आपका सही आंसर हो जाएगा, 992 आपका सही आंसर हो जाएगा। कि अगर हमें वही 800 रुपये 8% की ब्याज से देंगे 3 सालों के लिए, तो हमारे पास टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 3 साल के बाद, 992, पहले कितना हो रहा था हमारे पास, 920 रुपये,
कितना होता है 920 रुपये। सवाल समझ में आया? तो इसमें आपको मेन बात याद रखनी है कि रेट कैसे निकालते हैं। रेट निकालने का अच्छा आसान तरीका क्या है, आप लोग देखो ऊपर ब्याज, एक साल की ब्याज अपॉन का प्रिंसिपल इंटू का 100 करोगे तो आपकी रेट निकल के आ जाएगी आपके सामने। ठीक है, आई थिंक आपको सवाल समझ में आया होगा, काफी अच्छे सवाल थे दोनों के दोनों। अगर आपको अच्छा लगा हो, फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और एक बार लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय, कल वापस से मिलेंगे हम लोग, बाय।